राधे राधे। सो राधे राधे माय फ्रेंड्स, जैसा कि मेरे भाई आपने प्रीव्यू में देखा ही होगा मैं किस वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की वीडियो एडिटिंग में मेरे भाई आज आपको सिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी एडिटिंग लग रही है हमारी। इसको एडिट करने में गाइस मैंने रात भर मेहनत की है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे एडिट करें। तो सिंपली इस वीडियो को एडिट करने के लिए ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ये वीडियो आपकी एडिट होगी अलाइट मोशन में। तो सिंपली आपको अलाइट मोशन मेरे भाई आपको डाउनलोड कर लेना है। तो सिंपली हम ओपन कर लेते हैं अपना ऐप अलाइट मोशन। तो इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं मेरे भाई। इस ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम 916 का रेशियो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से बैकग्राउंड ब्लैक कर लेंगे और 30 FPS 1080p में ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा। तो नीचे मेरे भाई आपको क्रिएट प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, आप अपने गैलरी में आ जाओ। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा कुछ इंटरफेस आ चुका है। नीचे मेरे भाई आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, मीडिया पर आना है। मीडिया पर आने के बाद आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं कितना प्यारा बैकग्राउंड लग रहा है हमारा। अब आपको क्या करना है, फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, मीडिया पर आना है और एक हम ले लेते हैं यहाँ से फ़ोटो ले लेते हैं, कोई सा भी आपको एक फ़ोटो ले लेना है। जैसे कि हम एक फ़ोटो ले लेते हैं, जैसे मेरे भाई आप देख सकते हैं हमने एक फ़ोटो यहाँ से ऐड कर दिया। इसको कुछ हम इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, आप देख सकते हैं अब ये कितना बढ़िया लग रहा है, कितना कूल लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये। इसको इतना रखने के बाद आपको मेरे भाई क्या करना है, अब आपको इस उसको इस प्रकार से कुछ एडजस्ट करना है ताकि ये प्रोफेशनल लगे। इसको इतना करने के बाद मेरे भाई आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, मीडिया पर आना है। मीडिया पर आने के बाद यहाँ से हम डाउनलोड पर जाएंगे। डाउनलोड पर जाने के बाद हम एक PNG ले लेंगे बैकग्राउंड वाला, ये वाला ले लेंगे गाइस। आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से। तो इसको कुछ इस प्रकार से बड़ा कर लेंगे और इस प्रकार से रखेंगे और इसको मेरे भाई आपको क्या करना है, इसको हम ऐसे रखेंगे, ऐसे करेंगे, इस पर क्लिक कर देना है, ज़ोर से आपको क्लिक कर देना है इस पर ताकि ये नीचे की ओर रहे हमारा। इसको हम नीचे लेकर आएंगे, इसके पीछे हमारे बैकग्राउंड फोटो के पीछे इसको कुछ इस प्रकार से रख लेंगे। इसको इतना करने के बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, प्लस वाला आइकन पर फिर से आपको क्लिक कर देना है, मीडिया पर आना है। मीडिया पर आने के बाद एक आपको फिर से एक PNG ले लेना है और जो भी मटेरियल गाइस मैंने इसमें यूज़ किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको कुछ इस प्रकार से हम रख लेंगे, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसको कुछ हम रख लेंगे। अब मेरे भाई ध्यान से देखना, यहाँ से आप, यहाँ से हमारा मेन काम है, यहाँ से आप बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत ही प्यारी वीडियो है गाइस, देखकर जाओ यार। तो इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा मेरे भाई, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऐड इफेक्ट पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ऐड इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको मूव ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे भाई आपको स्विंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं इसको आपको ले लेना है, स्विंग का मूविंग ट्रांसफॉर्म। तो इसको लेने के बाद आपको स्टैंडर्ड सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ऐसा कुछ इंटरफेस आ चुका है। इसको आपको कुछ 30 तक रखना है हर्ट्ज़ को, इसको फ्रीक्वेंसी को आपको 30 रखना है, 30 रख देते हैं, और एंगल 1 को आपको -8 रखना है। तो जल्दी जल्दी से हम कर देते हैं, जैसे कि इसको -8 रख देते हैं और एंगल 2 को रखना है +8, इसको मेरे भाई आपको +8 रखना है और एंगल 1 को -8। ध्यान से देखना मेरे भाई, इतना करने के बाद आपको यहाँ से कट कर देना है। अभी आप देख सकते हैं कैसे रोटेट हो रहा है हमारा पत्ता, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से रोटेट हो रहा है। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, फिर से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद मीडिया पर जाते हैं मेरे भाई हम। मीडिया पर आने के बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं मेरे भाई कुछ इस प्रकार से हमारे स्टार का कुछ ये दिख रहा है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ है ये। इसको हम इस प्रकार से कुछ बड़ा रख कर देंगे। इसको इतना करने के बाद मेरे भाई आपको ब्लेंडिंग ओपेसिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं इस पर सिंपली मेरे भाई आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, लाइटन के ऑप्शन पर मेरे भाई आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद अभी आप देख सकते हैं इस ये कुछ इस प्रकार से आकर ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देते हैं इस प्रकार से, और इसको कुछ आपको नीचे की ओर लाना है, इसको कुछ ऐसे जोर से दबा के रखना है और नीचे की ओर इसको कुछ इस प्रकार से क्लिक कर देना है और इसको कुछ इस प्रकार से नीचे की ओर लेकर आएंगे। अभी आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड में आ चुका है। और इसके बाद प्लस वाले आइकन पर मेरे भाई आपको सिंपली फिर से क्लिक कर देना है, मीडिया पर आना है
और एक हम इस प्रकार से ये सन ले लेंगे, इसको कुछ हम इस प्रकार से बड़ा कर देंगे। और मेरे भाई आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपको वही अप्लाई करना है मेथड, तो लाइट पर क्लिक कर देते हैं, लाइटन पर स्क्रीन कर देते हैं। इतना करने के बाद इसको कुछ इस प्रकार से रख देते हैं सर के पास, और इतना करने के बाद इसको नीचे की ओर लेकर आते हैं हमारे प्रोजेक्ट के नीचे की ओर। हमारा फोटो है जो, इस पर आपको जोर से क्लिक कर देना है, तभी ये नीचे की ओर को होगा। जल्दी जल्दी से हम इसको नीचे की ओर लेकर आते हैं। अभी आप देख सकते हैं गाइस, जैसे ही हमने इसको पीछे लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लाइटन आ चुकी है हमारी वीडियो में। कितना प्रोफेशनल लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से सिंपली प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, ऐड टेक्स्ट का मेरे भाई आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं ऐड टेक्स्ट का, इस पर मेरे भाई आपको टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम टाइप कर देते हैं राधे कृष्ण, पहले राधे हम टाइप कर देते हैं, और इसको रख देते हैं हम, ये इसमें लगा देते हैं, इसको इस प्रकार से कुछ ऐसे रख देते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसके कलर को हम चेंज कर देंगे, कलर पर क्लिक कर देना है मेरे भाई। कलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसके कलर को हम वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद यहाँ से बैक आना है, और मेरे भाई यहाँ पे मूव ट्रांसफॉर्म का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपके जो भी ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं, इस ये है रोटेशन के ऑप्शन, यहाँ पे फर्स्ट वाला होगा हमारा, ये नीचे ऊपर लाने का है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से नीचे इसको रख देते हैं। इस प्रकार रखने के बाद इस पर आते हैं हम, और इसकी लेंथ को हम इस प्रकार से बड़ा करने के बाद इस पर आते हैं, और इसको कुछ इस प्रकार से रख लेते हैं। अब मेरे भाई आपको क्या करना है, इसको इतना रखने के बाद आप क्या करना है, आपको स्लाइड यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद आपको फिर से ए टेक्स्ट पर जाना है, और अभी आपको क्या करना है, यहाँ से पहले बैक आना है, फिर से प्लस वाले आइकन पर जाना है, ए टेक्स्ट पर जाना है। टेक्स्ट पर जाने के बाद यहाँ से हम लिखेंगे अब कृष्ण टाइप कर देंगे, कैपिटल लेटर में हम कर देते हैं टाइप कृष्ण। इस प्रकार से कुछ रख लेते हैं। इसको रखने के बाद अभी आप देख सकते हैं फॉन्ट लग नहीं रहा है हमारा, बढ़िया नहीं लग रहा है फॉन्ट, हम एक्स्ट्रा बोल्ड का लगाएंगे और यहाँ से डन कर देंगे। इतना करने के बाद हम यहाँ से कलर चूज़ कर लेंगे, येलो को चूज़ कर लेंगे, येलो नहीं ये चूज़ कर लेंगे ऑरेंज, और यहाँ से डन कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल लग रहा है। मूव ट्रांसफर फॉर्म फिर से आना है मेरे भाई, आपको कुछ इस प्रकार से इसको रखना है, और इसको कुछ लेंथ को हम बड़ी कर देते हैं इस प्रकार से, कुछ इसकी लेंथ को हम रख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है। अब आपको क्या करना है, स्लाइड स्क्रॉल करना है, और मेरे भाई आपको बॉर्डर शेडो का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसकी शेडो को हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, सबसे नीचे आना है, इसके शेडो को आपको इस प्रकार से कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से लग चुका है, तो इतना कर सकते हैं आप, और यहाँ से डन कर देना है। इतना करने के बाद मेरे भाई आपको इफेक्ट पर आना है। इफेक्ट पर आने के बाद आपको एड इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, और आपको यहाँ पर सर्च क्या करना है, ग्लो सर्च कर देना है मेरे भाई। ग्लो सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ग्लो आ जाएंगे, और आपको एक ग्लो ले लेना है कोई सा भी इसमें से, और स्टैंडर्ड सेटिंग पर जाना है, और आपको अल्फा को कम कर देना है। आप देख सकते हैं हमारे इसमें ग्लो आ चुका है, और हार्डनेस को भी थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल लग रहा है मेरे भाई। इतना करने के बाद आपको यहाँ से कट कर देना है। अभी आप देख सकते हैं मेरे भाई, फाइनली हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है, और यहाँ से हमको एंड तक कर देना है। इसको सारे क्लिप को चूज़ कर देते हैं हम, और इसको ले लेते हैं हम एंड तक, जहाँ तक कि हमारी वीडियो है वहाँ तक इसको ऐसे रख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं पूरा हो चुका है जहाँ तक हमारा क्लिप है। तो मेरे भाई हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है। मेरे भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।